नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, आने वाली जो वीडियो है वो चाहे 2020 का क्वेश्चन पेपर हो चाहे 2021 का क्वेश्चन पेपर हो, इसमें एक दो दिन का समय लगेगा, इसलिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिसके आंसर थोड़ा सा समय लग सकता है खोजने में उसके आंसर, इसलिए मैं पहले कन्फर्म हो जाऊँगा सारा आंसर, उसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बता दूँ और आप गलत पढ़कर एग्जाम में गलत करके आ जाए, ठीक है। इसलिए समय लगेगा तो उसके लिए निश्चिंत रहे, वीडियो जरूर आएगी लेकिन आप लोग इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि पिछला वीडियो जो था 2018 वाला, ठीक है, उसमें एक प्रश्न शायद मैंने आंसर गलत बताया था, शायद जल्दबाजी में बता दिया होगा क्योंकि वह प्रश्न मैंने पहले भी करा रखा है। प्रश्न क्या था आपका, 34 नंबर प्रश्न था, जिसमें क्वेश्चन था आपका कि 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। और मैंने शायद आंसर आपका 1949 बता दिया था, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, 1949 नहीं होगा, क्या होगा, 1969 होगा, ठीक है। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर उसमें थर्ड मेरे ख्याल से होगा, वो सही होगा, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ने सही जवाब दिया था, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप कुछ सही बताते हैं तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2019 के क्वेश्चन पेपर की बात कर लें तो 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो संसाधन भूमि की बात हो रही है तो काफ़ी इजी प्रश्न है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, मशीन आपका संसाधन भूमि नहीं है, ओके। दूसरा है, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो कर राजस्व वृद्धि करके, बिल्कुल, सरकारी व्यय में कटौती करके, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में क्या सम्मिलित करते हैं, तो अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद आपको पता होना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद के जो क्या होता है, डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, क्या होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आप परिभाषा में इसका आंसर छुपा हुआ है, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो हम लोग ने प्रश्न कर रखा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर बात करें कि चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं जनरली हम लोग, ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी में क्या होता है, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मांग सस्ता कम हो जाता है कॉफ़ी, तो इसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीमत बढ़ने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। पाँचवा आपका है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या करेगा। तो उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा आपको एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करेगी, एक्स वक्र को काटेगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा एक्स वक्र को काटती है, क्लियर है। चलिए छठा आपका है, निवल निवेश को परिभाषा कीजिए। तो निवल निवेश कैसे निकालते हैं, तो जब कुल निवेश में से हम मूल्यह्रास घटाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निवल निवेश क्या होगा, कुल निवेश में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो आपका शुद्ध यानी कि निवल निवेश प्राप्त होता है। सातवां आपका है, यदि मांग एवं पूर्ति दोनों वक्र तो ये दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा। यदि मांग और पूर्ति दोनों वक्र दाईं ओर समान रूप से शिफ्ट करेगी तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, वस्तु का मूल्य एवं क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, नहीं। सेकेंड है, मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोनों मार्क वर्क क्या है, समान रूप से शिफ्ट करती है अनुपात में, तो मूल्य स्थिर रहेगा और उसकी जो क्रय शक्ति होती है, क्रय की मात्रा बढ़ जाती है। आठवां आपका है, यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों शायद ये प्रश्न मैंने चैप्टर वाइज वाला वीडियो है ऑब्जेक्टिव उसमें मैंने करा रखा है, ठीक है। जब सारे लोग क्या करना है, बचत करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो कुल बचत होती है वो स्थिर रहेगी या फिर कम हो जाएगी, दोनों कंडीशन बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों हो सकता है। फिर है,
नौवां प्रश्न आपका है, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है। तो एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र आपका औसत लागत वक्र होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और इस वक्र में आपका जो कुल इस लागत होता है वो स्थिर होता है, यानी कि इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। औसत लागत वक्र तो होता ही है, और इस वक्र में क्या होता है, जो कुल लागत होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा। क्लियर है। दसवां आपका है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा जब संसाधन में हम वृद्धि करेंगे तो बिल्कुल होगा, उपभोक्ता की वृद्धि से नहीं, उपभोक्ता की वृद्धि से नहीं होगा, तकनीक में सुधार से होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा। ग्यारहवां आपका है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। तो संतुलित बजट के लिए क्या होता है, जब भी संतुलन की बात हो यानी कि दोनों बराबर होगा, क्या होगा, जब व्यय और प्राप्तियां दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा आपका, संतुलन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जनरली संतुलित बजट किसी देश का होता नहीं है, जो बजट चलता है वह हमेशा गवर्नमेंट हमेशा बनाती है कैसी, घाटे का बजट बनाता है, ठीक है। तो याद रखिए संतुलित बजट बराबर होता है, कुल राजस्व कुल प्राप्तियाँ बराबर होगा तो संतुलित कहलाएगा, लेकिन ऐसा अर्थव्यवस्था जनरली आजकल दिखता नहीं है, बजट दिखता नहीं है, ओके। अगला है, किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना किस पर निर्भर करेगा। तो मूल्य वर्धित होना उत्पादन का मूल्य, प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, उत्पादन के चरण में उसका निवल योगदान, कर के कारण वस्तु के मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, क्या है, उत्पादन का मूल्य, प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य बिल्कुल है, और उत्पादन के खिंचन में कारकों का निवल योगदान, कर के कारण वस्तु के मूल्य वृद्धि नहीं, कर के कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। तेरहवां प्रश्न आपका है, कोई पूर्ति वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी, कब करेगी। तो प्रौद्योगिक प्रगति हो, ठीक है, आगतों की कीमतों में कमी हो, प्रति इकाई कर लगाया जाए, नहीं कर से तो नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, इन दोनों से हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी प्रगति में क्या, तकनीक में सुधार करेंगे तो आपका पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, और आगतों की कीमतों में कमी होगा तो भी पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौदहवां है, निवल प्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो निवल प्रत्यक्ष, सॉरी, निवल अप्रत्यक्ष कर है ना, अच्छा, निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, हम अप्रत्यक्ष कर में से मूल्यह्रास घटाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पंद्रह है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ की अधिकतम शर्त क्या है। तो पूर्ण प्रति में क्या होगा, लाभ की अधिकतम शर्त सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, ठीक है, ये होता है। सीमांत लागत बढ़ रही हो तो क्या होगा, लाभ अधिकतम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, अगर लागत बढ़ रही है तो लाभ अधिकतम हो नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम लाभ कब होगा, जब सीमांत आय उसके सीमांत लागत के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है। तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा, अंतिम ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सत्रह है, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। तो अर्थव्यवस्था में साख का सृजन करेगा तो व्यावसायिक बैंक, और नियंत्रण रहेगा तो रिजर्व बैंक, ठीक है, दो बातें हैं, सृजन है तो व्यावसायिक बैंक, नियंत्रण है तो रिजर्व बैंक, ओके। चलिए अठारह है, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाता है तो बजट क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो यदि बाजार में वस्तु की कीमत घट जाएगी तो बजट रेखा पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, समान ही रहता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, ठीक है। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा को हम कहते हैं एच इक्वल टू होता है आपका सी प्लस आर होता है, ठीक है। तो एच आपका हाई मुद्रा हो गया, ठीक है, सी आपका करेंसी हो गया, आर आपका रिजर्व हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेंसी प्लस रिजर्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, समीकरण एम पावर डी इजिकल टू आर पावर पी वाई यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग, ठीक है, धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, और ऋणात्मक रूप से नहीं, ऋणात्मक तो नहीं होगा,
धनात्मक रूप से औसत कीमत पर निर्भर करती है, यानी ए एस टी होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, कुल उत्पादन एक्स इकाइयों पर माइनस कुल उत्पादन एक्स वन माइनस वन इकाइयों पर परिभाषा किसका है। दोस्तों ये आपका जो परिभाषा है, ठीक है एक मिनट रुकिएगा, तो ये आपका परिभाषा किसका होगा, कुल उत्पादन तो हो नहीं सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद देखिएगा, यहाँ पे लिखा है माइनस, ठीक है तो माइनस कभी भी कुल नहीं जाएगा, कुल के लिए क्या होता है हम प्लस करते हैं, ऐड करेंगे तो ही कुल निकलेगा। ठीक है औसत हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि औसत भी हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है और माइनस कब निकलता है, जब हम सीमांत होगा तभी माइनस होगा। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चिन्ह से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा होगा, अगर कुल औसत इस तरह की बात हो तो इसका आंसर क्या होगा, सीमांत उत्पादन की है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, एक आयताकार अति प्रबलय मांग वक्र के लिए मांग क्लोज हर बिंदु पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक आयताकार अति प्रबलय मांग वक्र के लिए मांग क्लोज हमेशा ई बराबर वन होगा, यानी इकाई के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए तो इसमें आपका है, यदि पूरक वस्तुएं के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होती है। दोस्तों पूरक वस्तुओं के मूल्य में अगर कमी आती है तो इसकी मांग बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है पूरक वस्तुओं के मूल्य और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा और कीमत कमेगी तो मांग बढ़ेगा। ठीक है याद रखिएगा इस बात को। अगला है 24 है, एम वन प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमा परिभाषा है किसकी होगी। तो यहाँ पे एम वन प्लस दे दिया है, क्या व्यावसायिक बैंकों की बात किया है, तो व्यावसायिक बैंक में आपका एम थ्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सॉरी सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है वही अगर यहाँ पे रहता क्या, डाकघर में जमा, ठीक है डाकघर में आवधि जमा रहता तो इसका आंसर एम टू होता है। इस बात को याद रखिएगा, दो बातें हैं, एम वन प्लस अगर डाकघर लिखा हुआ है तो उसका आंसर एम टू हो जाएगा, लेकिन एम वन प्लस व्यावसायिक बैंक लिखा हुआ है तो उसका आंसर एम थ्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, फिर आपका है, कॉप डगलस उत्पादन फलन के पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। तो इसमें आपका जो दे रखा है अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आपका है, उत्पादन के संसाधनों के रूप में उद्यमी का कार्य क्या है। तो उत्पादन के संसाधनों के रूप में संसाधनों को इकट्ठा करना, बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई चीज़ क्या उद्योग लगाए हैं तो आपको संसाधन खुद ही लाना इकट्ठा करना होगा, बिल्कुल सही बात है। उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना भी आपका काम होगा और खतरा भी उठाना आपका काम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर आपका है, उत्पादन समन्वय वक्र मूल बिंदु को उन्नतर होती है, क्यों होती है। तो मूल बिंदु को उन्नतर होने का कारण क्या है, सीमांत प्रतिस्थापना का वर्धमान दर होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त उपाय क्या होगा, जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो हमारा क्या होता है, सीमांत लागत बढ़ता जाता है, तो जैसे बढ़ने वाली बात होती है तो यह क्या कहलाएगा आपका, वर्धमान कहलाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आपका है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम सीमांत आगम मूल्य के बीच क्या संबंध होता है। तो बात हो रही है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में याद रखिएगा ए आर और एम आर क्या होता है, बराबर होता है, पहली बात तो ये है कि तो ऑप्शन में कहाँ कहाँ एम आर दे रखा है बराबर, एक ही जगह एम आर दिख रहा है बराबर। ठीक है तो पीक संबंध हम बात करें, मूल्य की बात करते इसको भी देख लेते हैं। तो पहली बात क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर एम आर बराबर होता है, और दूसरी बात क्या है कि जो ए आर होता है यानी कि एवरेज रेवेन्यू औसत आगम जो होता है वह मूल्य के बराबर होता है, यानी मूल्य ही होता है एक तरह से बोलिए, इसलिए क्या है ये तीनों बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन बैंक आपका इसका आंसर ए वाला दे रखा हो तो ए नहीं होगा, याद रखिएगा डी होगा इसका आंसर। अगला आपका है, औसत लागत सॉरी औसत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है। तो औसत उत्पाद वक्र की आकृति आपका उल्टे यू के होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है इस तरह का होता है लागत वक्र, याद रखिएगा कौन सा, औसत उत्पादन वक्र। अगला है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होता, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। ठीक है ऑप्शन नंबर
थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अल्पाधिकार बाजार में कुछ विक्रेता होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक में आपका इसका आंसर दो या दो से अधिक विक्रेता दे रखा हो। ठीक है, तो ये नहीं होता है। अल्पाधिकार बाजार की विशेषता होती है कि उसमें कुछ विक्रेता होते हैं। ये सीधा सीधा किताब में लिखा हुआ है पॉइंट में। ठीक है, कि अल्पाधिकार की विशेषता में कि कुछ विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार बाजार में। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला आपका है कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम कीमत होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय आय की गणना में समीकरण क्या है। आई एस प्लस जी टी क्या है, फिर एम माइनस एक्स मापता है। ठीक है, तो एम माइनस एक्स क्या दिखाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, एम हो गया इंपोर्ट और एक्स हो जाएगा एक्सपोर्ट। तो आयात व्यय और निर्यात व्यय को दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, एम और क्या है एक्स है, ये आयात और निर्यात को दिखाता है। ओके, अगला है यदि मांग वक्र हो एवं पूर्ति वक्र हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। तो दोस्तों मेरे अंदाज से आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा निरंतर करके चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर की बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है इसमें। क्वेश्चन किताब में भी नहीं दे रखा है और किताब में इस तरह का कोई क्वेश्चन दे है भी नहीं एग्जाम्पल के तौर पर जिसको समझा जा सके। तो इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग निरंतर करके चलिएगा, एग्जाम में आए तो उसको महित बनाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 है, जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 है, तो इस स्थिति में अवस्थिति क्या होगी। तो 2000 है, ठीक है, बट्टे 1000 है, गुणे 100 करेंगे तो आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 200%। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवस्थिति कितनी होगी, 200% होगी। फिर आपका है सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम दोस्तों गुणा का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कारक लागत एवं निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। तो कारक लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित होता है। तो मुद्रा की पूर्ति में क्या सम्मिलित होगा, तो आपका मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी और मांग जमा होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। फिर आपका है 39वां है उपभोग फलन C=C+CY में सी एवं सी क्या है, ये बताना है आपको। दोस्तों यहाँ पर दोनों सी ही है, एक छोटा एक बड़ा है, और ऑप्शन में क्या क्या देखा है, स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और स्वायत्त उपभोग प्रवृत्ति। तो दोनों सेम बात है लेकिन आगे पीछे कर दिया है, तो हम उसमें आंसर कौन चुनना होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सी मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और ये सी मतलब होता है स्वायत्त उपभोग। ठीक है, तो पहले जो है उसी को हम पहले रखेंगे। तो पहले आपका ये वाला सी है, तो वही वाला आपका पहले आएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और बाद में आपका स्वायत्त उपभोग आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सत्ता के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पे हो बिल्कुल, और दूसरा तरलता पास की स्थिति हो, ये भी सही है। ब्याज दर उत्तम होगा तो कोई लोन नहीं लेगा, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, फिर है सामान्य कीमत स्तर पर वृद्धि है। तो सामान्य कीमत स्तर पर वृद्धि क्या कहलाती है, आपका स्फीति कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कीमत घटेगा तो क्या होगा, अवस्फीति कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कीमत बढ़ेगा तो स्फीति, घटेगा तो अपस्फीति। फिर अगला है उत्पादन सौना वक्र की ढाल होती है। तो कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु को उन्नतोत्तर होती है और अवसर लागत को दर्शाती है। ठीक है, तो अवसर लागत को नहीं दर्शाता है, मूल बिंदु को दर्शा नहीं होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा है, 42 का प्रश्न है,
तो जी हाँ ठीक है, ऋणात्मक ही होता है 5 समय की ढाल, तो ऋणात्मक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह अवसर लागत को नहीं दिखाता है, क्यों नहीं? क्योंकि यह मांग और क्या है, उपभोक्ता की मांग और कीमत के बीच के जो संबंध को दिखाता है, इसलिए यह अवसर लागत को नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 43 आपका है, एक मुद्रा के दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, तो क्या होगा? द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर और विनिमय दर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका सही होगा। फिर है मांग के नियम का संबंध है, तो मांग के नियम का संबंध किसके बीच है? आय और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य और मांग के बीच होगा। ठीक है, आय का जो सॉरी मांग का नियम क्या है? मूल्य और मांग के बीच है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है, यही रूल है। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड इसी को कहते हैं। अगला है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा क्या होता है? तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर है, करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेंसी नोट के विषय में सही कथन कौन सा नहीं है? इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, कहते हैं। इसे वैधानिक पत्र भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ये गलत है। नहीं, आंतरिक मूल्य नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होता है। और इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम नहीं होता है। अगर 5 रुपये का नोट है और 5 रुपये का सिक्का है तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 47वां आपका है, अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त क्या होगा? तो समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति। ठीक है, फिर आपका है बचत बराबर निवेश। ठीक है, और उसके क्या है? रिसाव माइनस अंतक्षेपण। उसके बाद क्या है कि इनमें से सभी। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? संतुलन की शर्त, अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति, बचत बराबर निवेश, निवेश जितना करेंगे उतना बचत होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति। ठीक है, फिर भी इसको आप लोग लिखें, किताब के पास होगा तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर डाउट लगे, आपको लगता है कि गड़बड़ है, तो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसका आंसर चेक करूँगा फिर से दोबारा। ओके, अगला है, एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहाँ मांग की लोच क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है तो वहाँ मांग की लोच रेखीय है। ठीक है, तो रेखीय मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, एक तरह से बात करें तो जब रेखीय होगा, एक्स अक्ष को काटेगा, तो यहाँ पे आपका जीरो होता है मांग लोच, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि, तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्या है? तो यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही। इसकी स्वाभाविकता स्वीकार्य है, बिल्कुल सही। और मुद्रा संपत्ति में सबसे तरल है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है, विलासिता वस्तु के लिए मांग की लोच ई होती है, क्या होती है बताना है? तो दोस्तों, विलासिता वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो आपका अत्यधिक लोचदार होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके 19 के प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होगा। अगर लगता है कि आप में इसमें कोई क्वेश्चन गलत है तो आप मुझे जरूर जरूर कमेंट करें, मैं इसको देखूंगा फिर से चेक करूंगा, और आपको अगर गलत होगा तो उसको मैं फिर सही करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।